आपको बता दें, भोर पहर में मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्नाव हरदोई मार्ग पर दरौली गांव के मोड़ के पास दो लोगों को गौवंशों का मांस एक बोरी में भरकर ले जाते समय दबोच लिया। गौकशी करने वालों को पुलिस के द्वारा पकड़े जाने पर वहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। गौवंशों को काटकर एक बोरी में भरकर ले जा रहे हैं दोनों लोगों को पुलिस कोतवाली ले गई, जहां पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें जेल भेज दिया। शुक्रवार को सुबह लगभग 6 बजे एक मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्नाव हरदोई मार्ग पर दरौली गांव के मोड़ के निकट आसीवन थाना क्षेत्र के निवासी कलाम पुत्र खलील व नौशाद पुत्र लतीफ को गौवंशों को काटकर एक बोरी में भरकर कहीं ले जा रहे थे, जिस पर पहुंची पुलिस ने दोनों लोगों को बोरी में रखे मांस के साथ दबोच लिया। पुलिस ने पकड़े गए दोनों गौकशी करने वालों के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया है। वहीं बरामद हुए मांस को परीक्षण के लिए भेजा है। सफीपुर उन्नाव से रामशंकर राजपूत की रिपोर्ट। हाँ दादा, ये बताइए गांव कौन सा है? दरौली। अच्छा, यहाँ जो घटना हुई है ये क्या पूरा मामला है? गौकशी का है, मांस भरा है। अच्छा, आप लोगों को कैसे जानकारी हुई कि यहाँ जब भीड़ इकट्ठा हुई तो हम आए, क्या है? कहा गोश्त बकरा का है। अच्छा, तो ये बंधे थे जी, को बकरे ग्राम प्रधान अनुज। अच्छा। और लोग 4-5 थे। अच्छा, फिर 500 आदमी इकट्ठा होगा जी। आप लोगों ने उसे पकड़ लिया? हाँ। वैसे लगभग कितने लोग थे? या कई 100-200 आदमी। नहीं नहीं नहीं, जो गौ तस्कर के लोग थे वो कितने लोग थे? दो आदमी। दो लोग थे बस।